तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं भी बढ़िया हूँ यार। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो फटाफट से जल्दी से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर दो यार। फटाफट से जाके यार पहले तो लाइक करके आओ वीडियो को, क्योंकि यार एक दिन के अंदर यार 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवाना आप लोगों को। तो फटाफट से यार जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को। और गाइस अगर आप लोग इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हो यार, तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार इस चैनल पे हम आपके लिए यार काफी खतरनाक वीडियो लेके आते हैं GTA 5 की। और गाइस यार जो भी वीडियो पे यार सबसे पहले लाइक और कमेंट करता ना, उसको हम शाउट आउट भी देते हैं हमारे इस वाले एपिसोड में। तो यार अगर आप लोगों को भी यार नेक्स्ट एपिसोड में शाउट आउट चाहिए, तो फटाफट से यार लाइक करके यार एक प्यारा ऐसा कमेंट कर दो, क्योंकि जो भी इस वाले एपिसोड को लास्ट तक देखता है ना, उसके ही शाउट आउट मिलने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस यार पिछले एपिसोड में यार जिन बंदों ने यार काफी बढ़िया कमेंट किया था ना, उनको इस वीडियो में हम शाउट आउट भी देने वाले हैं। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका नाम कहीं भी आ सकता है इस पूरे एपिसोड में। और गाइस यार पिछले एपिसोड में काफी खतरनाक सीन हो गया था हमारे साथ, और भाई आप लोगों ने यार पिछले एपिसोड में देखा था। और जिन बंदों ने यार नहीं देखा, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। और गाइस आप लोगों को याद होगा कि हम एक बंदे को किडनैप करके लेके आए थे FIB बिल्डिंग के अंदर से, उसके ऊपर अटैक करके, क्योंकि उस बंदे को ये पता था कि लेस्टर की लोकेशन कहां पे है, क्योंकि किसी बंदे ने ना लेस्टर को किडनैप कर रखा है और हम पता नहीं लगा पा रहे कि लेस्टर को किसने किडनैप कर रखा है। और तो FIB का ये बंदा ना जो हमारे साथ खड़ा है, तो इसने मुझे बताया था कि FIB डिपार्टमेंट ने एक ऐसे बंदे को किडनैप कर रखा है जिसको लेस्टर की पूरी लोकेशन पता है, और वो उसका कुछ देर में अभी इनकाउंटर करने वाले हैं, क्योंकि गाइस उस बंदे ने लॉस सैंटोस में और भी ज्यादा बुरे काम किए हुए थे। तो FIB वालों ने तो उस बंदे को इस वजह से पकड़ रखा था क्योंकि उस बंदे ने यार लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा क्राइम कर रखे थे, और हमें उस बंदे को इसलिए किडनैप करना था क्योंकि वो बंदा ना उस माफिया के नीचे काम करता है जिस माफिया ने यार लेस्टर को किडनैप कर रखा है। और उस बंदे को हम कैसे भी करके FIB बिल्डिंग के ऊपर अटैक करके ना किडनैप करके ले आते हैं, और उसको हम ले जाते हैं एक टॉर्चर रूम में, और वहां पे भाई उसको इतना खतरनाक तरीके से टॉर्चर करते हैं ना, उस बंदे की रूह कांप जाती है। बट वो बंदा ना लेस्टर के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ, क्योंकि गाइस वो बंदा ना अपने बॉस के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल था। हमने उस बंदे को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया, बट उस बंदे ने लेस्टर के बारे में एक शब्द भी बताया कि लेस्टर को किसने किडनैप कर रखा है। और हम उस बंदे को यार कंटिन्यू यार टॉर्चर करते ही जा रहे थे, बट कुछ देर के बाद वहां पे भाई इतना बुरी तरीके से उस टॉर्चर रूम पे अटैक हो चुका था, और वहां पे भाई ऐसे बंदे आ चुके थे भी जिन्होंने भाई बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट सब कुछ पहन रखा था, और उनके ऊपर हमारी गोलियों का भाई 1% भी असर नहीं हो रहा था। और गाइस उन बंदों ने हमारी जी वैगन को भी इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें हमारी जी वैगन तो गाइस बुलेट प्रूफ थी, बट क्या कर सकते हैं उसके ऊपर इतनी ज्यादा RPG फोड़ी है ना उन बंदों ने। तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा RPG ब्लास्ट होंगी तो यार गाड़ी तो फटनी थी, चाहे कितनी भी ज्यादा बुलेट प्रूफ हो गाड़ी। और गाइस लास्ट में मैंने ट्रेवर के पास कॉल करके ट्रेवर को बोल दिया था कि हमारे ऊपर खतरनाक अटैक हो चुका है, तो वहां पे यार ट्रेवर अपना ट्रक लेके ना इतनी धासु एंट्री मारता और हमें अपने ट्रक के अंदर बैठा के वहां से ले जाता है। और गाइस वो बंदे सारे के सारे उस माफिया के थे जिसने लेस्टर को किडनैप कर रखा है, और वो सारे के सारे उस बंदे को छुड़वाने के लिए आए थे जिसको हमने किडनैप कर रखा था टॉर्चर रूम में। और जैसे ही ट्रेवर हमें बचाने के लिए आता, हम ट्रेवर के ट्रक के अंदर बैठ के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट यार ट्रेवर के पीछे से गोली लग जाती है और ट्रेवर उस गाड़ी में से निकल के नदी के अंदर गिर जाता है। तो हम भी यार ट्रेवर के साथ ही जंप कर देते हैं ट्रेवर को बचाने के लिए, और फिर गाइस यार वहां से कैसे भी करके हमें जान बचाने के लिए भागना पड़ गया और उस बंदे को हमें वहीं पे छोड़ना पड़ गया था। और वहां से तो गाइस हम कैसे भी करके अपनी जान बचा के निकल जाते हैं, बट यार लॉस सैंटोस की पुलिस को पता चल चुका था कि यार यहाँ पे फुल तबाही मचाई हुई है इन बंदों ने, तो यार वो हमारे पीछे लग चुकी थी और उनसे जान बचाना हमारे लिए यार काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट यार कैसे भी करके यार हमने जान बचा ली थी उन पुलिस वालों से भी, और फिर हम अपने ट्रक को लेकर यार ऑफ रोडिंग वाले रास्ते में घुस गए थे, और फिर हमें यहाँ पे अपने ट्रक को ना हम इधर लेके आ चुके थे, और फिर तब जाके यार हम पुलिस वालों को चकमा दे पाए थे और पुलिस वालों ने हमारा फाइनली पीछा छोड़ दिया था। और अभी ना गाइस यार पूरे लॉस सैंटोस में हमें पुलिस ढूंढती फिर रही है, और यार उन बंदों को भी ढूंढती फिर रही है, बट यार वो बंदे तो एकदम से पता नहीं यार कहाँ पे गायब हो गए थे। बट यार अभी ना लॉस सैंटोस में तो हम ही रहते हैं ना, वो तो पता नहीं भाई वो बंदे कहाँ पे रहते हैं। और बट यार लॉस सैंटोस में हर जगह पे हमें पुलिस ढूंढ रही है, तो यार हमें थोड़ा सा ना ध्यान से चलना पड़ेगा। और अभी ना हम अपने सीक्रेट बेस पे जा रहे हैं, क्योंकि यार ये जो ट्रक है ना, इस ट्रक का लॉस सैंटोस पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि यार इसी ट्रक वाले बंदों ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक तबाही
रिपोर्ट्स आई थी लॉस सैंटोस में, तो इसलिए यार इस ट्रक को हमें यार सीक्रेट बेस में छुपाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक यार मामला शांत नहीं होता है इस ट्रक को हम लॉस सैंटोस की सड़कों पे नहीं निकाल सकते। और यार हम तो सोच रहे हैं कि इस ट्रक को यार हमेशा के लिए ब्लास्ट कर दे, बट यार ट्रेवर हमें ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि यार इस ट्रक के साथ ट्रेवर की यार कुछ ज्यादा ही फीलिंग अटैच है। बट गाइज यार ट्रक के साथ साथ हमें भी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइज लॉस सैंटोस में हर जगह पे न्यूज फैल चुकी होगी कि इन बंदों ने यार पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचाई थी। तो इस वजह से यार हमें अपनी ना थोड़ी सी लुक चेंज करनी पड़ेगी, तो उस वजह से यार कोई भी आम बंदा हमें पहचान नहीं पाएगा, तो इसलिए यार हमें किसी हेयर सैलून वाले बंदे से बात करनी पड़ेगी। बट यार क्या पता यार हेयर सैलून वाला बंदा हमें देखते यार पुलिस डिपार्टमेंट के पास कॉल कर दे और पुलिस हमें यार उसी टाइम अरेस्ट करके प्रिजन के अंदर ले जाए। तो गाइस यार अभी तो यार पहले तो हम सीक्रेट बेस पे चलते हैं, और वहां पे भाई सीक्रेट बेस पे चलने के बाद ना फ्रैंकलिन के पास कॉल करके बोल देंगे कि फ्रैंकलिन यार हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि यार हेयर सैलून वाला बंदा और हमारी पूरी की पूरी लुक को ना बिल्कुल ही चेंज कर दे। और यार हमें तो यार फिलहाल के टाइम तो यार मुझे और यार ट्रेवर को लुक चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यार जो ये एफआईबी वाला बंदा ना इसके तो इसकी तो यार ज्यादा ऊपर तक जान पहचान है, तो ये तो कैसे भी करके इस मैटर से निकल जाएगा, बट यार हमें दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए यार हमें दोनों को ही लुक चेंज करनी पड़ेगी। तो चलो गाइस यार फटाफट से अपने सीक्रेट बेस की तरफ निकलते हैं। और एक सेकंड यहां पे भाई ये पुलिस वालों की गाड़ी क्या कर रही है भाई, यहाँ पे ना मुझे यार पुलिस वालों की सायरन की आवाज़ आ रही है। एक सेकंड यहाँ पे अपनी गाड़ी को ना थोड़ा सा छिपा के साइड में पार्क कर लेते हैं, और भाई यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ी हमें ही ढूंढते फिर रही है। और एक सेकंड ध्यान से सुनो भाई, यहाँ से भाई हर जगह पे मुझे ना पुलिस वालों की सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ ना हर तरफ घूमती फिर रही हैं। यार मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोक के, एक सेकंड गाइस देख रहे हो नीचे से गाइस एक पुलिस वालों की गाड़ी जा रही है, शायद वो हमें ही ढूंढते फिर रही है। यार गाइस मुझे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बस एक बार हम सीक्रेट बेस तक पहुंच जाए उसके बाद तो गाइस हम कैसे भी कैसे करके कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे हमारी लुक चेंज करने का, क्योंकि गाइस यार सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे इस ट्रक की है, क्योंकि ये ट्रक दिखते ही ना पुलिस वाले पहचान जाएगी कि हम वही बंदे हैं। तो इसलिए यार सबसे पहले हम यार सेफली इस ट्रक को सीक्रेट बेस पे पहुंचाना है और इसको कुछ दिनों के लिए यार अंडरग्राउंड करना है। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इस ट्रक को यार बैनी से मॉडिफाई करवा के इसका बिल्कुल ही कलर चेंज करवा दे, यार किसी को पता ही ना चले कि ये वही ट्रक है। बट गाइस यार अभी के टाइम बैन के गैराज पे जाना भी हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि गाइस वहां तक जाते जाते ना पुलिस वालों को काफी ज्यादा चेक पॉइंटों का सामना करना पड़ सकता है हमें। तो फिलहाल के टाइम तो यार फटाफट से सीक्रेट बेस पे चलते हैं, और उसके बाद यार फ्रैंकलिन के पास कॉल करके पूछ लेते हैं कि लॉस सैंटोस के अंदर पुलिस वालों का क्या कुछ सीन चल रहा है। और गाइस यार फ्रैंकलिन को भी कॉल करके बोल देंगे कि आते टाइम ना यार दोनों शोरूम को चेक करके आना, और साथ में हमारी जो गाड़ी है ना बैन के गैराज पे खड़ी हुई है उसको भी लेते हुए आना, क्योंकि गाइस यार वैसे तो हमारे शोरूम के बारे में पुलिस वालों को पता नहीं है, बट यार एक सेकंड मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस। यार गाइस हमारे से ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और वो गलती मैं आपको सीक्रेट बेस पे पहुंचने के बाद बताता हूँ, क्योंकि यार हमारा ना करोड़ों अरबों का नुकसान होने वाला है। चलो फटाफट से यार सीक्रेट बेस पे चलते हैं, और वो मैं आपको यार सीक्रेट बेस पे ही बताता हूँ कि हमारा करोड़ों अरबों का नुकसान कैसे होने वाला है। ऑलराइट गाइस अभी ना यार हम अपने ट्रक को लेके ना जा रहे हैं अपने सीक्रेट बेस की तरफ। और यार मुझे ना यार रोड की साइड से चलने में थोड़ा सा भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यार पुलिस ना हर तरफ ढूंढती फिर रही थी हमें पूरे लॉस सैंटोस में, तो इसलिए हम यार थोड़ा ना यहाँ पे ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से जा रहे हैं अपने सीक्रेट बेस में। और गाइस यहाँ से हमें बिल्कुल सीधे चलना है, और इसके रोड के साइड से सीधे सीधे चलेंगे तो हम अपने सीक्रेट बेस के बिल्कुल सामने जाके रुकेंगे। और यार बस रास्ते में हमें कोई भी बंदा ना मिल जाए जिसको यार ये पता हो कि हमने लॉस सैंटोस में क्या कांड किया है। और गाइस यार यहाँ पे अगर कोई भी मिल गया ना हमें तुरंत उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि यार वो पुलिस को ना अपनी जगह बता देगा कि यहाँ से वो ट्रक निकला है, और एक सेकंड यहाँ से दो बंदे आ रहे हैं और मेरे को ना इनको उड़ाना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि गाइस यार मैं नहीं चाहता कि अपने सीक्रेट बेस के बारे में लॉस सैंटोस की पुलिस को पता चले। और यहाँ पे गाइस हम आराम से अपने सीक्रेट बेस पे पहुँच चुके हैं। ओके यहाँ पे अपने ट्रक को ना एक काम करते गाइस अंदर ही लेके चलते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ना पार्क करना मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा, क्योंकि यार हेलीकॉप्टर वगैरह भी घूम रहे लॉस सैंटोस में इधर उधर हमें ढूंढने के लिए। तो यार अच्छे से ना
इसको अंदर पार करते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फाइनली हम अपने सीक्रेट बेस पे पहुंच चुके हैं और गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा करोड़ों अरबों का नुकसान कैसे होने वाला है। गाइस आप लोगों को याद होगा कि हम पिछले एपिसोड में विजुअल न्यूज में जाके ना एक बंदे को अपने दोनों शोरूम का प्रमोशन के लिए क्लिप देके आए थे अपने दोनों शोरूम की रिकॉर्ड करवा के, ताकि पूरे लॉस सैंटोस को पता चल जाए कि लॉस सैंटोस के अंदर दो शोरूम ओपन हुए हैं और अपने शोरूम पर ढेर सारे कस्टमर भी आ सके और एम्प्लॉयज भी आ सके जिनको जॉब की जरूरत है। बट गाइस दिक्कत की बात यह है कि जो हमने अपने दोनों शोरूम का प्रमोशन करवाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवाया था ना, उस वीडियो में यार अपना फेस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और गाइस वो वीडियो है ना विजुअल न्यूज के चैनल पर कल सुबह टेलीकास्ट होने वाला है। और गाइस वो वीडियो यार कल सुबह टेलीकास्ट हो गया ना तो यार वो पूरे लॉस सैंटोस में वो वीडियो फैल जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी वो वाला वीडियो पहुंच जाएगा। तो उनको पता चल जाएगा कि जो दोनों शोरूम है ना वो माइकल के शोरूम है और वो दोनों शोरूम को सीज कर लेंगे और उन दोनों शोरूम के अंदर जो करोड़ों की सुपर कार्स है ना उनको अपने पास रख लेंगे। और गाइस अगर ऐसा हो गया ना तो यार हमारा तो भारी नुकसान होने वाला है। और गाइस यार कल सुबह से पहले पहले हमें कैसे भी करके उस बंदे से वो वीडियो डिलीट करवानी पड़ेगी, जो विजुअल न्यूज का रिपोर्टर है ना उस बंदे से यार वो दोनों की दोनों शोरूम की वीडियो डिलीट करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे सिमियन ट्रेवर अपने पास आ चुके थे और मुझे यार फटाफट से फ्रैंकलिन के पास कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि फ्रैंकलिन कितनी देर पे सीक्रेट बेस में आ रहा है। और यार फ्रैंकलिन को भी मुझे यार पूरा का पूरा प्लान समझाना पड़ेगा कि यार फ्रैंकलिन हमें ना विजुअल न्यूज के ऊपर अटैक करना पड़ेगा या फिर वहां से विजुअल न्यूज के रिपोर्टर को किडनैप करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ना आसानी से वीडियो डिलीट करने वाला है। तो चलो गाइस यार फटाफट से फ्रैंकलिन से बात करते हैं और उसके बाद यार देखते हैं फ्रैंकलिन कितनी देर पे अपने सीक्रेट बेस पे आता है। ऑल राइट गाइस अभी ना यार मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैंने फ्रैंकलिन को पूरा का पूरा प्लान समझा दिया है और यार फ्रैंकलिन अब कुछ देर में अपने सीक्रेट बेस पे आता ही होगा। और गाइस यार हमें ना अपनी फैमिली को लॉस सैंटोस से बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे ना अपनी फैमिली थोड़ी सी भी सेफ नहीं लग रही है लॉस सैंटोस में, क्योंकि यार एक साइड से तो वो बंदा जो हमारे ऊपर अटैक किए जा रहा है और दूसरी साइड से लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट जो हमें बुरी तरीके से ढूंढता हुआ फिर रहा है। तो यार लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे घर कभी भी पहुंच सकता है, तो इसलिए यार हमें ना अपनी फैमिली को लॉस सैंटोस से बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यार हम नहीं चाहते हमारी वजह से वो भी फंस जाए। और गाइस यार कुछ दिनों के लिए हम सीक्रेट बेस पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि यार हम लॉस सैंटोस में यार खुले से नहीं घूम सकते, क्योंकि यार हर जगह ना पुलिस वालों को पता चल चुका है कि यार हमने ही वहाँ पे अटैक किया था और बुरी तरीके से फंस चुके हैं हम। बट यार हमें ना सीक्रेट बेस पे ही अंडरग्राउंड रह के थोड़े दिन तक यहीं पे रहना पड़ेगा और यार जो भी काम करना पड़ेगा ना चोरी चुपके करना पड़ेगा, मास्क वगैरह लगा के या फिर किसी को पता चलने नहीं देना हमें। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से यार बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यार फ्रैंकलिन कितनी देर में आता है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुकी है फ्रैंकलिन से बात हुई मेरी और यहाँ पे भाई मैं भी यार बोर हो चुका हूँ इस सीक्रेट बेस में बैठा बैठा, और यार हम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकते यार, क्योंकि यार बिल्कुल ही पक जाएंगे हम। तो चलो गाइस यार फटाफट से यार सीक्रेट बेस से बाहर चलते हैं और देखते हैं यार फ्रैंकलिन कब तक आता है। और गाइस यार विजुअल न्यूज़ के ऊपर यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहिए या फिर हमें यार उस बंदे को ही अरेस्ट करके यानी कि किडनैप करके उसको एक अलग जगह पे ले जाके उसको भाई मार देना चाहिए, क्योंकि यार उस बंदे पे ना मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यार क्या पता वो बंदा ना उस टाइम तो वीडियो डिलीट कर दे, क्या पता फिर बाद में यार वो वीडियो उसके पास कहीं पर बैकअप और वो टेलीकास्ट करते उन वीडियोस को। तो इसलिए यार मुझे ना थोड़ा सा भी रिस्क ले रहा और उस बंदे को ना हमें विजुअल न्यूज की बिल्डिंग के अंदर से ना किडनैप करके लेके आना पड़ेगा और उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाके ना गाइस मार ही देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कुछ सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। बट यार चलो यार काफी देर हो चुकी है मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन का वेट करते हुए, मैं भी एक बार यार कॉल करके फ्रैंकलिन से पूछ लेता हूँ कि फ्रैंकलिन कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, और देखते हैं फ्रैंकलिन हमारी लुक चेंज करने के लिए यार किसी हेयर सैलून के बंदे को लेके आता है या फिर गाइस देखते हैं फ्रैंकलिन हमारी लुक चेंज करने के लिए क्या करता है। ऑल राइट गाइस अभी ना यार मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन मुझे बोल रहा है कि माइकल मैं ना यार सीक्रेट बेस पे पहुंचने ही वाला हूँ। चलो यार फटाफट से देखते हैं फ्रैंकलिन अपने सीक्रेट बेस पे, एक सेकंड। ओके गाइस यहाँ पे यार एक बंदा तो आया यार ब्लैक गाड़ी लेके, मुझे लगता है गाइस जिसके अंदर शायद से फ्रैंकलिन है, कोई ऐसा बंदा ना हो गाइस जो हमारा दुश्मन हो, बट यार मुझे तो नहीं लग रहा है, किसी को पता ही नहीं है इस जगह का और यार ये ना फ्रैंकलिन ही लग रहा है। और भाई देखो कहाँ गाड़ी घुसाई है और ऐसी हरकतें तो यार फ्रैंकलिन ही करता है।
और भैंस की टांग भाई पागल है क्या ये फ्रैंकलिन। ओके गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन ही है, चलो यार फटाफट से फ्रैंकलिन से बात करते हैं। और भाई साहब एक बार यार फ्रैंकलिन की गाड़ी देखो यार, पता नहीं यार इतनी खतरनाक गाड़ी कैसे लेके आया, और इसकी एक बार एलॉय देखो भाई कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना एक काम करते हैं यार, इस गाड़ी को भी ना इस सीक्रेट बेस के अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि यार हम नहीं चाहते यार कोई भी हमें यहाँ पे देख ले, क्योंकि यार लॉस सैंटोस में ना यार हेलीकॉप्टर भी घूमते फिर रहे हैं यार पुलिस वालों के हमें ढूंढते हुए। चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से फटाफट से अंदर बैठो और इस गाड़ी को ना सीक्रेट बेस के अंदर लेके चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं फ्रैंकलिन अपने लिए इस गाड़ी के अंदर क्या लेके आता है। और यहाँ पे मैंने फ्रैंकलिन को बोल के ना खिड़की को अंदर करवा लिया है। चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे आराम से पार्क करते हैं और देखते हैं गाइज फ्रैंकलिन हमारे लिए क्या लेके आए। और गाइज यार फ्रैंकलिन मुझे बोल रहा है कि मैं के लिए इस गाड़ी के अंदर ना एक बैग रखा, उस बैग को निकाल लो इसके अंदर से, क्योंकि उस बैग के अंदर ना हमारे लिए कुछ ऐसे कपड़े हैं जिसको पहन के हम विजुअल न्यूज के अंदर ले जाने वाले हैं उस बंदे को किडनैप करने के लिए, और उन कपड़ों को पहनने के बाद हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो चलो गाइज फटाफट से यार बैग को निकाल लेते गाड़ी के अंदर से। ओके गाइज अभी ना यार मैंने अपने बैग को ना अपनी गाड़ी से निकाल लिया, फटाफट से एक बार चेक करते हैं यार इस बैग के अंदर फ्रैंकलिन हमारे लिए क्या कुछ आउटफिट लेके आया और इनको पहन के ना अच्छे से रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं विजन न्यूज में उस बंदे को ना किडनैप करने के लिए, यानी कि जो रिपोर्टर है ना उसको किडनैप करने के लिए। और गाइस अभी हम अच्छे से रेडी हो चुके हैं, और ये एफआईबी वाला बंदा ना ये हमारे साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि यार इसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं विजन न्यूज में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे को वहां पे सब जानते हैं और मैं नहीं रिस्क लेना चाहता तुम्हारे साथ वहां पे जाने में, क्योंकि पहले ही मैं अपनी जॉब को ना खतरे में देख रहा हूं तुम्हारे साथ रहते हुए। बट कोई ना यहां पे ना फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने और मैंने भाई अच्छे से आउटफिट पहन लिया, फटाफट से यार अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और यहाँ पे ये एफआईबी वाला बंदा ना यहाँ पे ये रेस्ट कर लेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन तो नहीं यार शाम तक हम वापस आ जाएंगे विजुअल न्यूज में से उस बंदे को किडनैप करके। और गाइस यार आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ इन दोनों बंदों में से फ्रैंकलिन और ट्रेवर कौन है, देखते हैं कौन कौन ट्रेवर और फ्रैंकलिन को पहचानता है। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को ना बैग लेते हैं, चलो यार बैठो जल्दी से, क्योंकि मैं तो बताने वाला इनमें से ट्रेवर और फ्रैंकलिन कौन है। और यहाँ पे भाई हम तीनों के दोनों ना गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं और यहां से अभी चलते हैं हम डायरेक्ट विजुअल न्यूज में। और यार बस रास्ते में ना कोई भी यार पुलिस वगैरह चेकिंग ना करने लग जाए और इनको पता ना चल जाए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और यार हमने तो यार सिर पे ना हेलमेट पहन रखा है और इन्होंने भी मास्क वगैरह पहन रखा है, तो आसानी से तो नहीं पहचान में आएंगे। और गाइस ये गाड़ी यार साथ ही में यार फुल्ली जेड ब्लैक है, तो यार किसी को ना पता भी नहीं चलने वाला है कि इस गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, क्योंकि यार इस गाड़ी के ना खिड़की और शीशे बिल्कुल ही ब्लैक है। तो चलो गाइस यार फटाफट से अपनी इस गाड़ी को लेके ना विजुअल न्यूज की बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं गाइस वो बंदा हमें कहाँ पे मिलने वाला है, बस ऐसा ना हो कि वो बंदा विजुअल न्यूज की बिल्डिंग से कहीं बाहर गया हो और हमारा पॉपअप ना हो जाए। बट यार कोई ना यार वहाँ पे जाके ना पूरी पूरी बिल्डिंग को हाईजैक करने वाले और उस बंदे को किडनैप करके हम लेके जाने कुछ ऐसी सुनसान सी जगह पे जहाँ पे उस बंदे के ना आज जिंदगी का लास्ट दिन होने वाला है। तो चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं विजुअल न्यूज की बिल्डिंग की तरफ। ओके गाइस अभी हम अपनी गाड़ी को भगाते हुए विजुअल न्यूज की बिल्डिंग के पास पहुंच गए, और यहाँ पे भाई लेफ्ट साइड में आप लोगों को देख सकते हो आप लोग यार काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है मुझे विजुअल न्यूज की बिल्डिंग के सामने। पता नहीं गाइस आज क्या कुछ पार्टी वगैरह कर रखी है इन्होंने। और गाइस अभी यार हम डायरेक्ट इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं जा सकते, बट यार हमें ना धीरे धीरे करके एक काम करते हैं यार सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ना इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और इनको यार यहाँ से ना अपने स्नाइपर से हेडशॉट देके उसके बाद गाइस हम इस बिल्डिंग के अंदर चुपके से अंदर घुसेंगे और भाई इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हाईजैक कर लेंगे और वहाँ से उस बंदे को ढूंढ के लेके जाने वाले अपने साथ। और एक सेकंड यहाँ से मुझे रास्ता मिलने वाला भी है या नहीं, मैं वैसे ही आ गया, बट कोई ना यार चलो यार देखते हैं। सामने से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, फटाफट से इसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले बंदे हैं, और ये भाई कंप्लेंट ना कर दे जो भी ये बिल्डिंग बनवा रहा है ना उसको ना बता दे कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी लेके आया, बट कोई ना यार। और एक सेकंड गाइस दो बंदे तो भाई नीचे गिरने वाले थे, उनमें से एक बंदा नीचे गिर चुका है, बट कोई ना यार चलो फटाफट से यार अपनी गाड़ी को ना धीरे धीरे करके इस बिल्डिंग के ऊपर लेके चलते हैं। और यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी पे ज़्यादा स्क्रैच आने वाली है, क्योंकि यार इन्होंने बिल्कुल सामने ये सामान रखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का सामान है, ये इस कंस्ट्रक्शन का ही कुछ सामान है, बट कोई ना यार आने देते हैं स्क्रैच, देखा जाएगा जो होगा और ले लेंगे भाई ऐसे ऐसे तो गाड़ी, हम कोई दिक्कत नहीं। और सामने मुझे ना बिल्डिंग पे यार सिक्योरिटी वगैरह दिख रही है, बट कोई ना ऊपर चढ़ के ना एक एक करके इन सारे बंदों को मारते हैं, क्योंकि हमारे पास ना
एक खतरनाक स्नाइपर गन है जिसके आगे ऐसा प्रेशर लगा हुआ है, तो यार अगर हम किसी को भी मारेंगे ना तो थोड़ी सी भी आवाज नहीं आने वाली और किसी को भी पता नहीं चलने वाला। तो चलो गाइस यार फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे अच्छे से पार करते और उसके बाद हम देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर भाई कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है और एक एक करके इन सभी सिक्योरिटी को मारते हैं। और मुझे ना यार इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को भी देखा था, बट कोई ना यार चलो देखते हैं यार क्या कुछ प्लान बनता है इस बिल्डिंग के अंदर जाने का। और यहाँ पे हम अच्छे से यार गाड़ी के अंदर से उतर चुके हैं और देखो यार सामने एक हेलीकॉप्टर तो दिख रहा है, बट यार थोड़ा सा ना हमें ध्यान से चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यार किसी सिक्योरिटी गार्ड पे अगर शॉट मिस हो गया ना स्नाइपर का तो यार पता चल जाएगा सबको और पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ पे हमारे ऊपर कुछ अटैक हुआ है, गोलियाँ वोलियाँ चली हैं। और पहले तो यार हमें ना इस एक एक करके सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा। और गाइस एक काम करते हैं यार, जितने भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है ना इन सभी को यार तोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब भी हम अंदर जाएंगे ना तो पता नहीं चलना चाहिए कि कितने बंदे आए थे इसके अंदर। तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, तो क्योंकि यार थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना हमें। और यहाँ पे गाइस यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी देख रहे हैं साथ में के बंदे बंदे कहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी हमें साथ में बता रहे हैं। और एक बंदा तो यार हमें ऊपर दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, और उस साइड भी कुछ बंदे खड़े हुए हैं जो कि यार विजिल न्यूज़ के एम्प्लॉयज़ वगैरह ही हैं, बट सिक्योरिटी तो यार ऊपर छत पे ही खड़े हुए हैं। तो चलो यार इसको ना एक काम करते हैं, पट से हेडशॉट देते हैं। और यहाँ पे गाइस किसी को भी नहीं पता चला, नीचे वाले किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता चला। और गाइस यहाँ पे एक बंदे को तो हमने टेक डाउन कर दिया, और ये बंदे की बारी, अब निकल तेरी भैंस की टांग और तू भी निकल भाई। और यहाँ पे भाई पीछे से ना यार दोनों ही लग गए भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर मारने के लिए। और यहाँ पे मैं एक एक करके सभी कैमरा को तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड और खड़ा हुआ, इसको भी देते हैं पट से हेडशॉट और इसको भी देते हैं गाइस। तो गाइस हमने यार सभी सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पे, और बस एक एक सभी कैमरास को ना मैं दो दो गोली मार रहा हूँ। और चलो यार यहाँ पे मुझे ना एक, चलो इसको भी दे देते हैं एक एक करके यार, इन दोनों को भी फोड़ दिया, क्योंकि यार ऐसा ना हो कि कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा यार चल रहा हो इनमें से। तो चलो गाइस यार एक एक करके सभी सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया और कैमरा को भी तोड़ दिया। फटाफट से यार नीचे चलते हैं और देखते हैं यार इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की जगह हमें कहां से मिलने वाली है। और गाइस अभी यार चलो फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और प्लान हमारा ये होने वाला है कि जब हम यार बिल्डिंग के अंदर जाएंगे ना तो यार हमारे साथ फ्रैंकलिन जाने वाला है और ट्रेवर अपना बाहर वेट करेगा अपनी गाड़ी को लेके। चलो फटाफट से इस गाड़ी को ना इस बिल्डिंग से नीचे उतारते हैं और उसके बाद हम चलते हैं उस विजुअल न्यूज की बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं यार रिपोर्टर हमें मिलता है या फिर नहीं। तो ऑल राइट गाइस अभी ना यार हम उस बिल्डिंग से नीचे उतर चुके हैं और सामने मुझे विजुअल न्यूज की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। चलो फटाफट से अपनी इस गाड़ी को ना यहाँ पे पार्क करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और यार देखना पड़ेगा और भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं या फिर नहीं अभी उस बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ पे मैंने ड्राइवर को बोल दिया कि तुम ना इस गाड़ी को तैयार रखना, क्योंकि यार अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना हमें एकदम से जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से। और यार अभी यार फ्रैंकलिन हमारे साथ जाने वाला है और ट्रेवर को हमने इस बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया है हमारा वेट करने के लिए। और एक सेकंड गाइस यहाँ पे एक और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, बट यार इस बंदे ने नहीं इसको देखा नहीं क्या, इसके सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड पड़ा हुआ है जिसको हमने मारा था। चलो इसको भी यार यहाँ से पट से हेडशॉट दे देते हैं फटाफट से। और भाई ये बंदा तो यार बिल्कुल ही पता नहीं यार किस सोच में खड़ा हुआ था, इसको तो पता ही नहीं चला इसके सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। और यहाँ पे मुझे एक और सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है और गाइस एक कैमरा हो रहा है साथ में। और चलो फटाफट से ना गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को भी मारते हैं और इस कैमरे के बिल्कुल नीचे नीचे को तो चलते हैं क्योंकि कुछ भी पता नहीं लगने वाला। और यहाँ पे धीरे धीरे करके निकलते हैं गाइस, और यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि और भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं इस बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ पे भाई फ्रैंकलिन थोड़ा सा साइड में हो जा, क्योंकि उस कैमरे को तो हमें तोड़ा नहीं यार जानबूझ के। और गाइस जो ये सामने जो डोर दिख रहा है ना, मुझे लगता है ये ना रिसेप्शन एरिया के पास जाके खुलेगा। तो फटाफट से यार फ्रैंकलिन को बोल देते हैं कि फ्रैंकलिन तुमने यार इस आगे आगे चलो हमारे, और देखो आगे रास्ता साफ है या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता और मैं तो यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, तो शायद मेरे कपड़े देख के समझ जाए विजुअल न्यूज वाले कि हम आए हैं। चलो फ्रैंकलिन जल्दी से आगे आगे चलो। और यहाँ पे तो भाई फ्रैंकलिन को देखते ही सब लोगों ने ना हैंड्सअप कर लिया है, और भाई सब फ्रैंकलिन इनको ना थोड़ा सा भी आवाज मत करने देना, क्योंकि यार एक सेकंड गाइस बाहर ना दो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं और इनको तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ पे इस लेडीज को भी मैं बोलता हूँ कि जल्दी से अपने बॉस का पता बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी को भी शोर नहीं करने देंगे। अगर इनमें से किसी को भी
शोर कर दिया ना तो यार सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा, और ये क्या पता यार पुलिस वालों के पास कॉल ना कर दे। तो इसलिए यार हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन बंदों के पास, और जो भी शोर करेगा ना उसके ही मत्थे पे गोली बजने वाली है, क्योंकि यार फ्रैंकलिन ने इन सबको ना समझा दिया है कि जो भी थोड़ा सा भी बोल गया ना उसको ही पट से हेडशॉट पड़ने वाला है, खतरनाक वाला। तो गाइस यार मेरी अभी इस लेडी से बात हो चुकी है, मैंने इसको बोल दिया फटाफट से अपने बॉस का पता बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन से ऑफिस में बैठा है और मुझे उसके पास लेके चलो, देखते हैं गाइस कहां पे मिलता है वो रिपोर्टर जिसको हम क्लिप देके आए थे। और फ्रैंकलिन यार मेरे पीछे पीछे मत आओ, तुम इन बंदों का ध्यान रखो, कोई भी बंदा इनमें से ना भागना नहीं चाहिए, अगर ये भाग गए ना तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा और हम जो काम करने के लिए यहां पे आए ना वो काम अधूरा रह जाएगा। तो चलो गाइस अभी ये लेडी यार इसके अंदर जा चुकी है, फटाफट से यार इसके पीछे पीछे चलते हैं। और सामने मुझे वही बंदा दिखाई दे रहा है और वो भाई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और एक सेकेंड यहाँ पे ना इसको पट से हेडशॉट दे दिया और यहाँ पे ये गिर चुकी है। और भाई यार हमने ना इस बंदे को भी यहाँ पे किडनैप कर लिया है और इसको बोल दिया कि बिना शोर के ना आराम से चलो, और वो जो दोनों क्लिप है ना हमारे शोरूम की फटाफट से हमारे हवाले कर दो, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना वरना फिर तुम्हारे भी पट से हेडशॉट पड़ने वाला है। तो चलो गाइस यार मैंने अभी इस बंदे को समझा दिया और अभी इस बंदे को मैं आगे आगे लेके चल रहा हूँ गन पॉइंट करके। और यहाँ पे भाई एक लेडीज तो खड़ी हुई है बट उसको भी कुछ आइडिया नहीं, वो भी डरी हुई है। चलो फटाफट से वो क्लिप लेके आओ, और भाई साहब इस बंदे को मैंने बोल दिया है और ये बंदा ना अभी क्लिप लेने के लिए जा रहा है जो अपनी दोनों शोरूम की क्लिप है ना। और भाई साहब ओ एक सेकंड ये बंदा ना अंदर से यार एक ब्रीफकेस लेके आ चुका है, और शायद से यार इस ब्रीफकेस के अंदर ही वो क्लिप है। और गाइस अभी ना इस बंदे को हम अपने साथ लेके जाने वाले हैं क्योंकि यार इसको ना यहाँ पे छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक सेकंड वो बंदा कहाँ पे जा चुका है, अरे भैंस की वापिस आ वरना भाई मत्थे में ऐसी गोली बजाऊंगा। और चलो इसी रास्ते से चलो, और गाइस अभी यार हम इस बंदे को लेके ना यार इस विजिल न्यूज की छत के ऊपर जाने वाले हैं, और वहां से जो विजिल न्यूज की छत के ऊपर गाइस आपको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा था ना, उस हेलीकॉप्टर से ही हम वहां से, एक सेकंड भाई कहाँ रह गया ये बंदा, अभी तक आया नहीं इसकी भैंस की भाई। ओके यहाँ पे फ्रैंकलिन भाई ये बंदा ना भागने वाला था, वो तो शुक्र है भाई फ्रैंकलिन ने इसको रख लिया। अरे निकल यार जल्दी जल्दी चल भाई, ये बंदा देखो कितने मजे से चल रहा है और इसको ये नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है। और गाइस अभी यार इस बंदे को मैं बोलने वाला हूँ फटाफट से हमें इस बिल्डिंग की छत के ऊपर लेके चलो, और तू क्या देख रही है चल निकल यहाँ से। और भाई इतनी देर से ऐसे ही खड़ी थी ये, और चलो इसका भी काम तमाम कर दिया हमने, और चलो फटाफट से ना बिल्डिंग की छत के ऊपर लेके चलो। और उसके बाद हम यार जो हेलीकॉप्टर है ना उस हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलने वाले, क्योंकि यार बिल्डिंग के मेन डोर से तो जा नहीं सकते, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े हुए और उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। और गाइस हमने इनके दोबारा से हैंड्स अप करवा दिए इस बंदे के ताकि ये कोई भी चालाकी ना करे। और भाई साहब यहाँ पे ना चलो फटाफट से यार ऊपर की साइड चलो, ऊपर से यहाँ से मुझे सीढ़ियां तो दिखाई दे रही है। चलो गाइस ये काम करते हैं फटाफट से इस बिल्डिंग की छत पे चलते हैं और इस बंदे को ना किडनैप करके अपने साथ लेके चलते हैं। ऑल राइट गाइस अभी इस बंदे को ना हम इस छत पे लेके आ चुके और सामने मुझे हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। चलो अभी एक काम करते हैं इस बंदे को फटाफट से इस हेलीकॉप्टर पे बिठाते हैं और यहाँ से लेके फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा चालाकी से यार पुलिस वालों के पास कॉल ना कर दे। और चलो यार फ्रैंकलिन फटाफट से यार इस बंदे को ना हेलीकॉप्टर में बैठाओ यार, क्योंकि ये बंदा भागना नहीं चाहिए कैसे भी करके। और ओके यहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लिया। चल फ्रैंकलिन फटाफट से तू भी बैठ और फटाफट से जल्दी से ड्राइवर के पास कॉल करके बोल दे कि हमने इस बंदे को किडनैप कर लिया है, तो अपनी गाड़ी रेडी रखो क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को ना हम ज्यादा दूर तक अपने साथ नहीं लेके जाने वाले, क्योंकि क्या पता यार विजिल न्यूज ने इस हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रैकर लगा रखा हो। और गाइज फाइनली हमने इस रिपोर्टर को विजिल न्यूज की बिल्डिंग से किडनैप कर लिया है। और गाइज यहाँ पे एक चेक पॉइंट रखते, अगर आप लोगों ने ये वाला एपिसोड यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से कमेंट में ग्रोवर GOP टाइप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन बंदों ने ये वाला एपिसोड तक देख लिया है। तो चलो गाइस यार अभी एक काम करते हैं, जो ये नीचे सामने बिल्डिंग दिख रही है ना इस बिल्डिंग पे इस वाले हेलीकॉप्टर को लैंड करवाते हैं, और उसके बाद यार ड्राइवर को बोल देते हैं कि फटाफट से अपनी गाड़ी लेके आ जा और उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले। और मुझे लगता है ना इस हेलीकॉप्टर को हमें यहाँ पे ब्लास्ट करना पड़ेगा। और फ्रैंकलिन फटाफट से इस बंदे को इस यहाँ से उतारो और देखते यार ड्राइवर कब तक आता। और एक सेकंड यहाँ पे ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके आ चुका है। चलो अभी ना एक काम करते हैं फटाफट से इस बंदे को ना इस गाड़ी के अंदर बैठाते और यहाँ से लेके चलते एक सुनसान सी जगह पे। और गाइस यार ये बंदा तो यार काफी ज्यादा डरा हुआ है यार, फ्रैंकलिन इस बंदे के ऊपर ना गन पॉइंट करते रहना क्योंकि यार ये बंदा ना किसी भी कीमत पे यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और यार अभी ना एक काम करते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है ना विजिल न्यूज का, इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं। चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठो और इस बंदे को भी बैठाओ। और यहाँ पे फ्रैंकलिन भाई तुम क्या सोच रहे हो, फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ। और विजिल न्यूज वाले बंदा भी बैठ चुका है। और अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो हेलीकॉप्टर है इसको कौन तोड़ने वाला है, तुम तो यार दोनों की दोनों ही बैठ चुके। और भाई साहब और एक सेकंड यहाँ पे भाई दोनों ने यार पीछे निकाल ली। और वाह भाई साहब वाह,
यार हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करने की बात आई थी यार, दोनों ने एक साथ उतर के गाड़ी से यार इस हेलीकॉप्टर पे दो आरपीजी मारी है। चलो कोई ना यार, यहाँ पे तो सीन डन हो चुका है। और यहाँ पे भाई इन बंदों ने इतना तगड़ा ब्लास्ट कर दिया ना यार, ऐसा ना हो जाए कि इतना तगड़ा ब्लास्ट सुन के यार पुलिस वाले हमारे पीछे ना लग जाए। बट कोई ना यार, अभी ना यार फटाफट से अपनी गाड़ी को इस बिल्डिंग से नीचे उतारते हैं और फटाफट से यार इस बंदे को एक सुनसान सी जगह पे लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस यार, फाइनली हम इस बिल्डिंग से नीचे उतर चुके हैं। और यार इतनी बड़ी बिल्डिंग थी ना, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगा हमें नीचे उतरते हुए। बट कोई ना यार, अभी तो यार नीचे उतर चुके हैं, फटाफट से अपनी फुल स्पीड में गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ से चलते हैं किसी ऑफ रोडिंग वाले रस्ते पे। और हमें रस्ते में कहीं पे भी सुनसान सी जगह मिल गई ना, वहीं पे अपनी गाड़ी को रोक के इस बंदे का दी एंड करने वाले हैं। तो चलो यार, अभी के टाइम फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ना कोई बंदा यार पुलिस वालों के पास कॉल ना कर दे कि हम वहाँ पे क्या कांड करके आए हैं और साथ में यार इतना तगड़ा ब्लास्ट भी करके आए हैं और साथ में गाइस एक बंदे को किडनैप भी करके लेके आए हैं। और एक सेकंड, ये मुझे गोलियों की साउंड कहाँ से आ रही है? और भाई हमारी गाड़ी, ओ भाई ये क्या है यार, किसी न किसी बंदे ने ना पुलिस वालों को कॉल कर दिया और हमारे पीछे बुरी तरीके से पुलिस लग चुकी है। और इसकी भैंस की भाई क्या गंदी तरीके से फायरिंग चल रही है। और भाई सब आगे से भी आ चुके हैं यार पुलिस भाई। यार गाइस ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, उस हेलीकॉप्टर को तोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि यार उस हेलीकॉप्टर को तोड़ने से ना, एक तो यार इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है उससे यार पुलिस वालों को पता चल चुका है, और क्या पता यार किसी ना किसी बंदे ने लगता है यार वहां पे ना कॉल करके पुलिस वालों को बता दिया है कि कोई ना कोई बंदा ना रिपोर्टर को किडनैप करके लेके जा चुका है। बट कोई ना यार, अभी तो यार कैसे भी करके हमें इस पुलिस वालों से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ना फ्रैंकलिन और ट्रेवर भाई स्टिकी बॉम्ब से हेलीकॉप्टर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्या बंदे यार, इनसे गन निकाल के भाई फाइट नहीं ली जाती। बट यार ये ना पुलिस वालों को बिल्कुल ही भाई मजाक में ले बैठे हैं और भाई स्टिकी बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। भाई एक सेकंड भाई सब, इन्होंने तो यार स्टिकी बॉम्ब से ही हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया है। और देखो भाई क्या फेंके जा रहे हैं, भाई बॉम्ब पे बॉम्ब फेंके जा रहे हैं भाई इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। और ओ क्या भाई खतरनाक तरीके से फैंस की भाई क्या हेलीकॉप्टर से बंदा गिरा है ना पुलिस वाला। और भाई ये खतरनाक बंदा यार फ्रैंकलिन ड्राइवर। तो चलो गाइस ये काम करते हैं, फटाफट से ना यार यहाँ से भागते हैं और कैसे भी करके पुलिस वाले से पीछा छुड़वाते हैं। बट उससे पहले गाइस यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट रखते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला एपिसोड यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से कमेंट में फ्रैंकलिन और माइकल ओपी टाइप कर दो यार फटाफट से। तो चलो गाइस यार फाइनली यार काफी टाइम हो चुका और हमने यार पुलिस वालों से पीछा छुड़वा लिया कैसे भी करके। और हम यहाँ पे एक सुनसान सी जगह पे आ चुके हैं समुद्र के किनारे। और अभी ना यार इस बंदे का यहाँ पे हम काम तमाम करने वाले हैं। चलो फटाफट से इस बंदे को यार यहाँ पे आगे लेके चलते हैं और उसके बाद देखते हैं इस बंदे का हम क्या करने वाले हैं। चलो अभी ना एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अपनी गाड़ी को यहीं पे आराम से हमने पार्क कर दिया है। और चलो यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर फटाफट से यार इस बंदे को भी निकालो यार इस गाड़ी से। और एक सेकंड यहाँ पे भाई आरपीजी क्यों निकाल रहा है ये? चलो यार उसने बंदे ने हैंडसअप कर लिया है, फटाफट से आजा बेटा। और गाइस अभी यार फ्रैंकलिन ने इस बंदे से ये वाला ब्रीफकेस ले लिया है जिसके अंदर अपने दोनों शोरूम की वीडियो है। और गाइस ये बंदा यार काफी ज्यादा डरा हुआ है और इसके साथ अब यार बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आज का दिन इस बंदे का लास्ट दिन होने वाला है अपनी लाइफ का। और यहाँ पे भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर बोल रहे भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से इस बंदे को ना पट से हेडशॉट दे दो। चलो यार फटाफट से इस बंदे को ना यहाँ पे पट से हेडशॉट दे दिया। और यहाँ पे ये और ट्रेवर भी इस बंदे के ऊपर पेट्रोल डालने लगा, क्योंकि यार किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने किया है और कोई भी सबूत नहीं मिलना चाहिए पुलिस वालों को। और यहाँ पे भाई ट्रेवर ना बुरी तरीके से इसके ऊपर पेट्रोल डालता ही जा रहा, भाई बस को यार इतने में लग जाएगी इस बंदे पे आग। बट कोई ना यार, चलो यार देखते हैं ट्रेवर कब तक। ओ भाई साहब पूरे प्रोफेशनल तरीके से ट्रेवर ने इस बंदे के ऊपर पेट्रोल डाल दिया है और फटाफट से इसको आग लगाते हैं। और यहाँ पे गाइस आग लग चुकी है गोली चलाते ही, और धीरे धीरे आग इस बंदे की तरफ बढ़ती जा रही है। और भाई साहब इस बंदे के ऊपर आग लग चुकी है और यहाँ पे यार ट्रेवर तो भाई क्लैपिंग करने लग गया। तो चलो गाइस यार फाइनली ये बंदा तो यार जल के राख हो चुका है, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पे पहुंचती होगी। तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और जब तक हम अपने सीक्रेट बेस पे वापस पहुंच रहे हैं तब तक हम उन बंदों को शाउट आउट देने वाले हैं जिन बंदों ने पिछले एपिसोड में काफी बढ़िया कमेंट किए थे। क्योंकि गाइस इस वाले एपिसोड में ना थोड़ा सा लेट हो गया यार शाउट आउट देने में आप लोगों को, बट कोई ना यार नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा जल्दी देंगे। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने ये वाला एपिसोड यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से कमेंट में आरआईपी रिपोर्टर टाइप कर दो यार। तो चलो गाइस फटाफट से अभी हम उन बंदों को शाउट आउट देने वाले हैं जिन बंदों ने पिछले एपिसोड में काफी अच्छे कमेंट किए थे। और गाइस अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट एपिसोड में अपने नाम को देखना है तो फटाफट से यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो वीडियो को लाइक करके, क्योंकि यार लाइक करके कमेंट करता ना जो उसको ही शाउट आउट मिलने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो गाइस यार पहले नंबर पे शाउट आउट मिलने वाला रविकांत भाई को, जिन्होंने बोला है भगवान करे आपकी मम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइस आप लोगों की दुआओं से यार मम्मी
की तबीयत काफी ज्यादा अच्छी है पहले से। तो गाइस दूसरे नंबर पे शाउट आउट मिलने वाला अयन खान को, जिन्होंने बोला है भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज एपिसोड रोज अपलोड करो। और गाइस थर्ड नंबर पे शाउट आउट मिलने वाला है गोल्ड माइन ऑफिशियल को, जिन्होंने बोला है आप अपनी मम्मी की हेल्थ अच्छी करो। और गाइस फोर्थ नंबर पे शाउट आउट मिलने वाला है सुल्तान सोलकर को, जिन्होंने बोला है एपिसोड जल्दी लेकर आओ। और गाइस लास्ट एंड फाइनल शाउट आउट मिलने वाला है एविल गेमर को, इन्होंने यार काफी बड़ा कमेंट किया था, वो आप लोग पढ़ लेना। और गाइस यार आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल का बेल आइकन ऑल पे नहीं किया तो यार फटाफट से उसको भी ऑन कर लो यार, क्योंकि जब भी अपना न्यू एपिसोड आता ना आप लोगों को बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं जाती उसकी। तो चलो गाइस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ग्रोअर जी के चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। Fearless.